बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस सलाम ही कर सकूँ, सांस मेरा बहुत फुला है। वकाया की तफसील आपको नबीला बताएगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आपके सामने मैंने 9 बजे तैयारी कर ली, चिकन बना लिया, रोटियाँ बना ली, चाय बना ली, सारी तैयारी की। राशिद की ढील की वजह से ट्रेन निकल गई, मगर वो तेज ट्रेन जा रही थी, इन्होंने फटाफट शॉपर थर्मोस भी मेरा समझ गया। थर्मोस क्या करता, अल्लाह देसी कौन ही कह रहा है। थर्मोस भी साथ गया, ये कि रोटी उनको मिल गई है। व्यूअर्स, उनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है रास्ते में, हमने आपको बताया नहीं, घर जाके इंशाल्लाह तफसीलन बताएंगे और उनके तरफ कॉल करके फिर बताएंगे। व्यूअर्स, इनके मर्द की गलती, मैं घर जाकर लड़ाई तो ना लड़ूंगी। नहीं माना तो लड़ाई के, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना पहुंचा दिया, चाय पहुंचा दी, देख लिया, बस इतना पड़ा है, इतना हो गया है। मैंने उसको देख लिया था। अच्छा, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं वहाँ सड़क पे खड़ी थी, बाय बाय कर दी, चलो आप निकले। निकलते हैं, बैग बैग भी टूट गया, कोई बात नहीं, इतना तो होता ही है। ये तो बैग आपसे टूटा, मुझसे तो नहीं टूटा। अच्छा, मेरी गलती वजह कैसे? चलो ना, मैं व्यूअर्स के सामने क्लास ले। नहीं नहीं, तो सोचते कि मैं कार जाना ही ना, मोटरसाइकिल मारा रस्ते में हो गया था खराब, जैसे घर से जब हम निकलने लगे ना, तो मोटरसाइकिल जो है ना रस्ते में उसका जो ना वो होता है मैग्नेट कड़ा, वो जल गया। मैं मैकेनिक के पास गया, कहता 15-20 मिनट लगेंगे। मैंने इनको कहा नहीं जाए मैकेनिक के पास, मैंने कहा मैकेनिक के पास ना जाए, देर हो जाएगी, इन्होंने अपनी जिद में रहे, 15 मिनट मोटरसाइकिल के साथ लगे रहे, फिर गए अहमद भाई के पास, मोटरसाइकिल लेके आए वो कर। अहमद भाई के पास गया, वो भी खानपुर निकल चुके थे, फिर मैंने सवा सिस्टर को कहा, मैं कहा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए फ़ौरन दे, मोटरसाइकिल उन्होंने दी, मोटरसाइकिल चला के आए, आगे आए, इसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल ख़त्म हुआ, फिर वापस 1 किलोमीटर वापस गया पेट्रोल डलवाने और यहाँ पे पहुँचे। तो हाँ जी, यहाँ पे हम पहुँचे तो गाड़ी समझे के बाद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तक चीज़ें हम पहुँचा दी थी। जो मैन हमारा मकसद था ना, जिस मैन मकसद की वजह से आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अलग हो गया, खाने पीने का नहीं है मैन मकसद। हम बाहर से आपको शेयर करेंगे, बताएंगे कि क्या था मैन मकसद, किस लिए हम पहुँचे थे, वो क्या वजह थी। और ये देखे पाकिस्तानी जो गार्ड, ये क्या करूँ, तनी आपने तोड़ दिए, ऊपर से ये रो रो के मैंने बाबा के पास जाना है, आप मोटरसाइकिल ठीक कराने के। ये देखे वो आगे शादी आके, अच्छा उन्होंने किया फोन फाटक पे, क्योंकि वो ट्रेनों वाला काम जो उनका है जी, उन्होंने कहा 11:30 बजे पूरा ट्रेन आ जाए। अच्छा, तो बेचारी क्या कहते, मैं कोशिश करता हूँ इधर ट्रेन रुकवाने की, ऊपर से आप आ गए तो फिर चल पड़े, नहीं तो वो बेचारे स्टेशन गए थे हमारी वजह से, वो जो हमारे पास स्टेशन है वहाँ पे जाके ट्रेन को जरा सा उनको बोलेंगे झटका लगाएं चीजें हमको। तो मुझे आप यहाँ वहाँ पे बताती तो मैं कहता बस ठीक है झटका लगवा दे। सही है, चलें जी अभी चलते हैं घर, आया को भी स्कूल से लेना है। जी जी, ये अहमद भाई का मोटरसाइकिल जो हम इमरजेंसी में लेके आए थे, क्योंकि स्टेशन के बाहर खड़ा किया था, अभी इसकी पर्ची शर्ची अदा की है तो यहाँ पे लेके आए हैं, तो फिर अभी चलते हैं घर। पर्ची लेते हैं ना बाहर खड़ा करने के, पार्किंग की पर्ची होती है। हाँ जी, ये देखें ना क्या लिखा हुआ है, हाँ जी 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 हवाई जहाज, जी जी बिल्कुल हवाई जहाज, कोई नहीं, सही है, चलो चलें घर। चल जी, अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुंच गए थे, आयत को साथ लेके आए, तो फिर आते ही जाना समझे मोबाइल की एक तो बैटरी ख़त्म थी, और अच्छा मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। तो आके हम आराम से हम थोड़ा सा किया, अभी उठे छुटे मैं कहा चलो जाके अहमद भाई को मोटरसाइकिल भी वापस कर जाते हैं और चलते हैं उधर। क्यों जी, बेगम जी तैयार है? हमारे घर पे नहीं आते। जी जी, ये किसकी जूती है? ये मेरी है, ये आयत की, आयत अपनी जूती पे, ये कपड़ी पाई सी किसने पाई? अच्छा चलो ठीक है, कोई गल नहीं। क्यों तेरी, क्यों किसकी जूती है? अच्छा पहनाऊंगी ना, ये किसकी जूती है? मेरी है,
मेरी है। ये क्या खा रही हो? पियर। पियर खा रही हो? दिखाओ मुझे। हाँ जी, कितना प्यारा है। चलें बेगम जी, उठ जाएं। सोनी को जूती पहनाऊं? जूती पहनाएं। और अभी भी हम निकलते हैं जी, जाते हैं इंशाल्लाह, फिर वहाँ पे चल के अहमद भाई की मोटरसाइकिल देके आते हैं। शुक्रिया जी, अदा भी करते हैं जी, बिल्कुल। और उधर भी आज मेरी चित्तो कितनी सोनी लग रही है, बालू वाले इतने सामने हो, सामने हो। ये आपके कपड़े, ये माशाल्लाह जी। ये इधर आओ, आए कपड़े चेक। अंकल आंटी कह रहे कपड़े चेक कराओ। आप ये आपके कपड़े थे जो मुमताज का थे, वो उसके थे जन्नत के, जन्नत के बाद आपने पहने, आपके बाद मुमताज पहने जी, बिल्कुल। ये वाले जन्नत के कपड़े अब आपने पहने हुए। आपके कपड़े किसने पहने हैं? मेरे। हाँ जी, हाँ बस ठीक है। तो हम भी छोटे हुए थे, मेरे के बड़े हो गए। सही है, चले आयो चले। ये कैसी बात है। चलो आप बहना का हाथ पकड़ो, मेरे बालू का हाथ पकड़ो। कैसी हो बेटा? आपकी मम्मा कह रही थी आप भी ट्यूशन जाया करोगी। आयत हाथ पकड़ो, छोनी का हाथ पकड़ो। मुंटा बुरी बात। ये जी मोटरसाइकिल, इसकी पहले बालू, इसकी पहले बालू, इसकी पीछे बालू पहले। वही ना, मारो मारो ताला, जल्दी करो जल्दी करो। ताला रखा कुछ है? ओ अंदर खिड़की ना, किधर बैठोगी? कितनी खुश है, कह रही है मैं तो पीछे बैठूंगी। पीछे नहीं, आगे। मुंतहा आगे बैठोगी, पीछे बैठोगी? कितनी प्यारी लग रही हो आप दोनों भी। ये आपकी दोस्त है? आपकी कौन सी वाली दोस्त है? क्या नाम है? इसका फौजिया। तो आपका क्या नाम है? इसको नाम याद है राशिद ना? याद नो आयत, आयत आयत, इनका नाम बताओ बाबा को। इसका पोजिया नाम है, एक का जन्म नाम है। जा रही हो? अल्लाह हाफिज। मामा नहीं जाएगी, ठीक है ना? पीछे नहीं, आगे। चलो जी, अच्छे बैठ गई। व्यूअर्स, अपनी मोटरसाइकिल खराब हुई है, अहमद भाई की लेके गए थे, आप वापस कराने जा रहे हैं। अब मैं भी बैठ जाऊँ इधर पीछे, थोड़ी सी जगह मेरे लिए छोड़ी है। गए हवे थे होर वाला वाला है। हां जी, गए थे ना स्टेशन, गए थे मगर ट्रेन निकल गई थी। क्या करने गए? क्या करने गए? वो मेरी बाजी और बिनोई कराची से बैठे हैं ना, तो उनको मिलने के लिए और खाना लेके गए थे, मगर ये कि इन्होंने भागते हुए खाना पकड़ा। स्टाफ के लिए गए थे, उन्होंने इधर स्टाफ का नंबर तो उनसे लिए ही नहीं हमने, जिसका नंबर तो वो फिर फोन में ले लेंगे। अंकल आए, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हुआ ये ना कि मैं अपना मोटरसाइकिल लेके गया ना, यहाँ पे हो गया खराब। उसको ठीक करवाने के उसने कहा 15-20 मिनट लगेंगे। फिर अहमद भाई को कॉल किया, उन्होंने कहा घर पे खड़ा है, ले जाओ। जब ये लेके गया, आगे गया, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। भाई आप कैसे ठीक है? दूर इधर भी फिर उसको वापस लेके आया, शुक्र है पहुँच गया, पेट्रोल पंप पे पहुँचा है, बंद हो गया। फिर लेट हुए, नहीं तो पेट्रोल होता ना फिर लेट ना होते। ए, वो मतलब वो आ रहे थे स्टेशन पे, सिर्फ आपने उनको मिलना था। मिलने के बाद उन्होंने चले जाना। वो बताऊं क्या, मैं आपको बताती हूँ, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। उनका ये हुआ ना, कराची से जब ट्रेन पे चढ़ने लगे हैं ना, उनकी किसी ने पॉकेट मार ली, पैसे कट लगा के सारा कुछ, सब कुछ, पैसे कागजात सब कुछ जाते रहे। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि हमारे साथ ये मसला बन गया है, तो हम बिल्कुल कंगले हो गए। मैंने कहा ना परेशानी ले, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। फिर हम स्टेशन पे इस वजह से, फिर उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर हम लेके गए खाना। हाँ जी, तो फिर यह है कि खाना पकड़ा के आए हैं, चलती ट्रेन से चल पड़ी थी, तेज थी। समझे कि वो जैसे नहीं, वो शाहरुख खान का उसका सीन था, भाग रहा है, ऐसे ही मेरा सीन था।
ये मेरी तरह निकम्मा है। अच्छा, हाँ। इनका आपके काम करते हैं? नहीं, निकम्मा है। अभी गत्ते चुनने का सोच रहे हैं। चोरी करेंगे? नहीं, चुनेंगे जो गत्ते होते हैं ना उनको। गत्ते 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 कह रहे हैं। गत्ते मैंने कहा गधे चोरी करेंगे। नहीं नहीं, गत्ते चुनेंगे ना, रोजी बन जाएगी अच्छी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उनको पैसे पकड़ाए और बड़ी मुश्किल से खाना पकड़ाया, बस मिली भी, मुलाकात भी नहीं इसकी हुई। बस किस्मत की बात है, आप टाइम से थोड़ा जाते तो फिर हो जाता। नहीं, बस बाइक धोखा दे गई थी। कोई सही है, चले जी मोड़ से अल्हम्दुलिल्लाह, बस फिर बेस्ट है, चीजें पकड़ा दी। हाँ जी, सुनो, इसकी थी पानी मार दिया, इसकी पानी मार दिए। सही, चलो इसको अंदर, इनके वाले तो करते हैं ना, फिर पानी भी मारते हैं। नहीं, इसको धोना नहीं, मिट्टी लगी है ना, मिट्टी, फिर अंदर सारा साफ है तो वो टायर साफ करने, टायरों पे, टायरों पे, और कहीं नहीं मार। अभी अंकल ये हम अंदर छोड़ के जाते हैं तो फिर घर वाले घर नहीं, अहमद भाई भी नहीं है ना सभा घर पे, तो फिर अंदर जी, ये तो घर पे ही अंकल, तो घर पे ही है। हाँ, बस अंदर खड़ा, वो बहुत ज्यादा मिट्टी थी ना, इसलिए अंदर नहीं लेके गए हमने। चलो बस मिट्टी ला गई टहरा तो। चलो चलो, आप पानी से दूर हो जाओ, पानी पानी पानी, आयत नहीं, आयत गीली हो जाओगी, बहुत मस्तियां करने लग पड़ी हो। क्या पता आप, काली मिट्टी का मेरे ख्याल से किचन की छत के लिए बनाया है, शायद हो सकता है, शायद भाई के घर से ना। चलिए चलते हैं, कोई घर है? नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर पे, तो सिर्फ घर वाले हैं। घर पे तो कोई भी नहीं है। आ जाए, आ जाए, आ जाए, चलो ना बेबी, चलो। क्या हो गया है? मैंने कहा शायद पता नहीं, इन्होंने कांटे आगे रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है सिस्टर, ठीक है। ये चूल्हा जबरदस्त बना, इसमें सेका सही लगेगा, धुआं बाहर निकलेगा। शायद भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जी क्या बात है, माशाल्लाह। कैसे हैं भाई? ठीक है, सही है, जबरदस्त हो गया चूल्हा। ये उठ भी जाएगा? नहीं उठेगा है ना? नहीं उठेगा, ये नीचे ईंटें हैं ना। उठ किस पे, क्या पे जाएगा भाई? जितना मर्जी चाह कर रख के। नहीं नहीं, ये इधर ही। हाँ जी, सही है ना, ये जबरदस्त। ये किचन भी माशाल्लाह मेरे हाल में सेटिंग वगैरह कर ली है, भी घर बनाया हुआ है हमने। किचन की सफाई होगी? नहीं, किचन के अभी जो ना, ये अल्लाह अंदर मुर्गी का डड़बा, ये तोड़ना है। अच्छा, हाँ ये तोड़ेंगे, ये नहीं बनाना, कच्चा किचन बनाएंगे इसको तोड़ के, फिर जो है इतना प्यारा ये खुला किचन बनेगा, खुला भी बनेगा और दरवाजा खुला। ये कबूतर आपके हैं? हम गए थे वो मोटरसाइकिल देने आए थे अहमद भाई का। अच्छा, तो मैंने कहा चलो सबसे आपको फिर किया थे। कमरे सेट देखे हैं? हाँ जी, अभी देखते हैं ना जब, माशाल्लाह हमने सेट किए हैं। अच्छा, हाँ जी, माशाल्लाह जी, जबरदस्त। आप लोग ना ये बहुत नीचे करते हो, ये कौन सा? ये इतने इतने होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ये इतना होने, इतने यू, ये बहुत लमके लमके कमरे पूरे में पर्दे नजर आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर होता, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त हो गए। अम्मी का या अबू का है? अम्मी अबू का है, दोनों का है। अच्छा, फिर ठीक है, आपने अकेले कहा ना अम्मी का है, तो फिर इसलिए मैं नहीं है। अबू बेचारे बाहर सर्दी हो गया, माशाल्लाह सही है। कल पर्दे लिए और कल ही सिलाई करके सामान, सही है ना? मेरी भी तो चादरें इस तरह की है पड़ी हुई, मगर मैंने ना अरजाइयों के कवर बना दिए थे, न्यू अरजाइयां भरवाई थी ना, कि ना बड़ा कर देना।
हाँ जी मैंने रजाइयों के कवर बना दिए, तो वो फिर मेहमान अचानक से आ जाते तो बिस्तर ही नहीं थे, तो किसी से मांगने जाओ तो वो कहते तो नहीं जी हम गैर मर्द सोएंगे हम बिस्तर नहीं देते। फिर मैं बच्चों के कपड़े लेने के लिए गई थी तो काली रूई देखी थी वो ही लेके बर्बाद ही। अच्छा तो ये कवर चढ़ा चले आज दूसरा कमरा देखते हैं अभी। माशाल्लाह जी जबरदस्त क्या बात है जबरदस्त कैसा लग रहा है सोना लग रहा है बहुत प्यारा माशाल्लाह बर्तन भी बहुत प्यारे। बस ये पल्ले ऊपर किया करें कौन से पल्ले ये जो ज्यादा नीचे लगते हैं ना ये खूबसूरत जितना नीचे होंगे ना ये ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा अपना अपना ना अपना रिवाज है। हाँ हमारा ये मैंने आज वीडियो में भी बताया कि हमारे इलाके का ऐसे ही रिवाज है, बर्तन ऐसे सजाते हैं पर पूरे कमरे का बर्तन तो हम भी लगाते हैं नहीं बर्तन ऐसे ही लगाते हैं लेकिन हमारा जो है ना सफीले भी नहीं होते लेकिन वो कमरा अजीब सा लगता है हमें अजीब सा लगता है। मेरी पिंडी वाली आप पुरानी वीडियो देखे उसमें है ना बनी हुई है तो मैं इतनी तंग पड़ती थी बर्तन ही नहीं थे पूरे होते आज दिन टूटे होते थे फिर रंग बिरंगी टंग वो ये हमारा सिर्फ दो पर्दे रह गए हैं वो हमारे रखे हुए हैं सिर्फ टाइम नहीं मिल रहा सिलाई करने के वरना पूरे कमरे का जो सेट लगा हुआ है ना सारा यही लगा हुआ या एक दरवाजा और एक वो विंडो टाइम किधर मिलता है ये जो बक्से होते हैं ना ये पीछे रखते हैं आप लोग आगे रखते हो यहाँ के जिस घर में भी मैं गई हूँ ना उन्होंने बक्से आगे रखे हमारे में दिमाग के साथ बक्से रखते हैं। टाइम अगर हो भी हो ना टाइम अगर हो भी फिर मुझ जैसे निकम्मे बंदे आ जाते हैं फिर सारी बात टाइम खराब हो जाता है। ऐसी बात नहीं हम जा रहे थे अहमद भाई के घर से वापस हो रहे थे बाइक छोड़ने आए थे उनकी लेके गए थे हमारी खराब हो जाती है मैंने देखा मैंने कहा आज बुर्का पहना हुआ है जिसका मैं आदमी नहीं मैं सो गई थी बुर्के समेत ही सो गई आते साथ थोड़ी सी देर सोई फिर कह रहे चलो मोटरसाइकिल लेके आते हैं उनको जरूरत पड़ जाती है। सही बात है सही है कैसा है ठीक है हमारा कमरा माशाल्लाह जबरदस्त बेहतरीन लेकिन आपने एक काम गलत कर दिया सेटिंग सारी की है आपने एक काम गलत किया है बताना बताना। हाँ जी बस जो ये पर्दे लटकाए हैं ना ये सही नहीं है कोई बात नहीं। हाँ जी व्यूअर्स ये ना इसको कह रहे हैं गलत भाई ये बहुत नीचे है हम लोग भाई छोटा सा भाई थोड़ा सा नीचे करते और ये कपड़ा नहीं डालते शीट डालते ये तब इनको अजीब लग रहा है मगर प्यारा लग रहा है बहुत प्यारा नहीं अपने अपने हिसाब है जैसा आपको प्यारा लगे जैसे अपने आपको प्यारा लगे ना इस तरह होता है लेकिन ये ना कि हमें जैसा प्यारा लगता है हम ऐसी बात कर रहे हैं बस चले ठीक है इंशाल्लाह। लोगों ने ये बहुत गलत काम किया है साहब लोग चलो काम करो ना आपको पता लगे जनानियां करनी है तो उन्होंने कदर ही नहीं होनी नहीं नहीं क्यों नहीं कदर कदर है मेरे ख्याल से अफसर भाई की बेगम ने बर्तन ऊपर रखे कौन से वाले ये हम ऐसे ही रखते हैं शुरू से वो मैंने उनको देखा था उनकी वीडियो में ना सबा अहमद वालों की पुरानी वीडियो तो देखो बेटी भी तो उन्हीं की है ना हाँ जी तो जारी बात है उधर से सीख के आई है ना जहाँ भी जाओगे ऐसे बर्तन रखे हुए हैं सही है ना अच्छे लगते हैं हमारे भी ऐसे हम लोग कोई नहीं इतने डिलाई लॉर्ड हमारे भी सारे गरीब सारे हैं तो जिस तरह से भी आया रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कि सबके अपने घर आजकल जो रिवाज चल रहा है सफीले और ये नहीं होती लेकिन नहीं कमरा होते। वो हमें नहीं वो अलमारियां होती है किसी किसी घर में मगर आगे शीशे लगे होते हैं दीवारों में मगर हमारे तो मेरे ख्याल से किसी के घर में आए यानी जब अल्लाह ताला ने हमें घर दिया ना तो मैं बड़ी बड़ी ना ये अलमारियां बनवाऊंगा पूरे घर में पूरी पूरी साइडें ये साइडें पूरी पूरी साइडें बनी होंगी नहीं वो तो हम बनवाएंगे पेटी को फर्क करके बिस्तरे तो वही अलमारियां होंगी बिस्तरे भी अंदर वही वाली नहीं मेरा जहाँ तक है ना शायद भाई मेरा ये है कि मैं कहता हूँ कि जब हम घर बनाऊँ ना घर बनाऊँ अपने घर का नीचे ना यानी कि जमीन खोद के तहखाना बनाऊंगा ये जितनी पेटियां शेटियां सारी नीचे चली जाएंगी पत्तियां डलती हैं जमीन में तो हम वो ही नीचे क्योंकि वो नीचे पे जमीन कम है ना यहाँ पे ज्यादा जमीन है शहर में कितनी कितनी मंजिलें बनी होती है नीचे भी तय खाने भी बने होते हैं जमीन की वजह से लोग बहुत रहते हैं वहाँ पे यहाँ पे खुला इलाका और खुला माहौल होता है ना इसलिए सही बात है सही है चलें जी अब देखते हैं फिर इंशाल्लाह बैठते हैं गपशप लगाते हैं चलते हैं उधर चाय शाय बनाते हैं आपके लिए नहीं जज़ाकअल्लाह चाय नहीं हम पीते अब किधर जाना है आज मेरे साथ बुरा किया है मेरी बहन स्टेशन मेरे बिनोई बहन आए तो
इनको मैं कहती थी जी भाई चलते हम 10 बजे चलते हैं, वैसे 10 बजे ट्रेन का टाइम था तो 12 बजे का हो गया, लेट हो गया। मैंने कहा ट्रेन जल्दी आ जाएगी हम निकलते हैं। इन्होंने कहा जी मैं वीडियो अपलोड लगाऊंगा। अहमद भाई के घर में आए इधर बैठे रहे तो इधर से गए तो काफी टाइम हो गया था। जैसे मोटरसाइकिल हमने निकाली वो जंगल के अंदर हुए मट्टी के अंदर मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो इनको मोटरसाइकिल यहीं से घर पे रखे, मोटरसाइकिल ना देके आना दुकान पे, छोटा इसका मसला नहीं है ज्यादा मसला है। इन्होंने फिर भी मोटरसाइकिल दुबई दुकान पे ले गए। अच्छा। तो उधर से शहरी के अबू आ रहे थे, वो पता ट्रेन फाटक पे होते है ना, तो मैंने कहा भाई ट्रेन कितने बजे आएगी, कह रहे पूरे 11:30 बजे आएगी। तो उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ इधर स्टेशन पे जरा स्टे करवा के आपकी चीजें खाना वगैरह ना उनको बाजी को पकड़ा देते, वो नहीं फिर हुआ। तो हम लोग वहां से भागे, ये मोटरसाइकिल ठीक करवाने के वहीं पे 20 मिनट लग गए, वो नहीं ठीक हुई। तो ये निकले अहमद भाई के घर में मोटरसाइकिल लेके गए, हम लोग लेट हो गए, आगे गए तो पेट्रोल मोटरसाइकिल में नहीं है। अहमद भाई की पेट्रोल आई नहीं थी मोटरसाइकिल में। क्या पेट्रोल नहीं था, शुक्र है कि पेट्रोल से ना 1 किलोमीटर आगे जाके बंद हो गया। अब वापस लेके आया, एक पंप पे गया, वो कहते हैं हमारे पास पेट्रोल ही नहीं। मैं कहूँ तेरी खैर। फिर बड़ी मुश्किल से ऐसे ही पहुंचे, जैसे सीन देखा ना दिल वाले दुल्हनिया में, शाहरुख खान का और काजल का, ठीक है ना, ऐसे सिस्टम हुआ मेरे साथ। मैं बाग के खाना पकड़ा रहा हूँ और उनको फिर वो कैमरा सिस्टर को दे देता हूं। नहीं, ये नीचे मोटरसाइकिल के पास खड़ी थी, सब कुछ जो ना उधर ही छोड़ा, तो मैं भाग गया ना, चल ट्रेन चल पड़ी थी। अच्छा, हाँ जी, बस इन्होंने मेरी बहन को मुझसे मिलने ही नहीं दिया। ओए ओए राशिद साहब जालिम हो गए ना, राशिद साहब जालिम हो गए, इनको बहन से मिलने नहीं दिया। गाड़ी भाग गई वो पीछे, अब मेरा कसूर तो नहीं है ना, आप अगर भाग सकती थी तो आप भागती। नसीब में मिलना होता मोटरसाइकिल लेके गए, पेट्रोल ही ना खत्म होता। बिल्कुल, तो वो अहमद भाई को मेरे ख्याल से याद दे रही बताने के लिए, ये मुझे रास्ते में कहती रही है। अच्छा। मैंने कहा अगर मुलाकात नसीब में हुई ना मिल जाएंगे इंशाल्लाह, ये चीजें जो हम लेके जा रहे हैं अगर उनके नसीब में हुई ना उनको मिल जाएंगे, नहीं तो हम जो मर्जी करें, ट्रेन रुकी भी हो तो हम नहीं लेके जा सकते। सही बात थी। हाँ जी, बराबर चले। मेरे हाल में आपका प्रोग्राम है, इधर ही खाना खाने का है ना? नहीं नहीं गाजा के, नहीं वो ये देखो ना, क्या खा लोगे तो आज हम जाना जिंदगी में पहली बार मेथा और वो बना रहे हैं, क्या रिश्ते, हाँ पहली दफा। अच्छा, देखते हैं कैसे आपके बच्चे साथ मिल के आज। मैं तो कहता खाना इधर ही खाया हमारा साथ। नहीं, जजाक अल्लाह ताला, बहुत है आपके लिए खाना लेके आना। नहीं क्यों, हमें बस इस तरफ अक्ल ही नहीं था, हमें सही बात है सोच ही नहीं आई उस दिन ना, कसम से। जब कमेंट आया मैंने कहा आप अगर लेके गए ना, कहेंगे ये कमेंट पे लेके आई हैं, बस अकल मारी गई है। कहते हैं ना अकल पे जब पर्दा पड़ जाए ना हो जाता है। हाँ जी, हम तो ये इतनी शौक से खाते हैं पिंडी में तो, और दूसरे चौथे रोज हमारी ये बनती है। कितनी अच्छी बनती है, आलू और मेथी, बहुत जबरदस्त। इसकी खुशबू जब पक रही हो ना, हैरान हो गए मेरे घर वाले, कह रहे थे कि आप कैसे बनेंगे ये, क्या बनेगा। माशाल्लाह लगे ये बना रहे, ये बड़ी मुश्किल बनती है, ये काटना मुश्किल, ये सब बना रहे थे। हाँ जी, मिलकर अभी एक चार पाई है, फिर ये मैं अगर बैठूंगा तो फिर टूट जाएगी। आलू थोड़े इसको यहां तक तो अभी चार बंदे बैठे, एक और बैठेगा तो ये इसका हाजमा हो जाएगा। नहीं ये डंडी डालोगे तो नहीं मजे। ये मैं आपको बताऊं, वो नहीं है आपके पास वो गाजर क्रश करने वाली है, वो क्या नाम है, डंडी नहीं डालते, डंडी डालते सिर्फ पत्ते डालते हैं। नहीं वो जो गाजर जिससे क्रश करते हैं वो आपके घर है, कद्दूकश, या एक प्लेट को सुराख कर लेना जिसमें ये इसकी डंडी चली जाए, ऐसे खींचते जाए पत्ते, मैं कहता हूँ कुटते जाएंगे ये, अगर, हाँ जी ये देखें, ये तजर्बेकार आपके पास बैठी है। सही है, चले जी ये बनाते हैं सब्जी, ठीक है। अभी हम उधर भी चलते हैं, क्या नाम है किसके घर, अकरम भाई के घर, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे भी इंशाल्लाह जाके वीडियो बनाते हैं। जजाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया। चले जी चले, ये देखे पेप्सी, कोको कोला लटकी हुई, तो कोई काली बोतल लटका देना आप। एक और बात थी जी जी, ये गेट जो है हर बार खुल जाता था,
कोई मतलब रबर हाँ से बांधते हैं, कोई ये बोतल लटकी हुई है, आप खोलोगे या खुद ब खुद बंद हो जाएगा? हमारे ये पिंडी में लोगों ने किया हुआ था, ये बोतल इसलिए हम लटकाई हुई है कि ये जो है सेट रहे, सही है ना? आप खोलोगे ना, आप छोड़ो बंद हो जाएगा, वो गई सही है, चलें ये बोतल लटकाई, ठीक है ठीक है शायद भाई, ओके हम चलते हैं, ठीक है अल्लाह हाफिज, ओके ओके जी। प्यारे बहन भाई अकरम भाई के घर आज भी नहीं जा सके क्योंकि बच्चों के ट्यूशन के लाने का टाइम हो गया, राशिद अब उनको लेने जाएंगे बच्चों को अकरम भाई के घर, अब कल जाएंगे, वो कहते हैं हमारे घर तो आप आते ही नहीं है, ना हम असलम भाई के घर जाते हैं, ना अकरम भाई के घर जाते हैं, ना वो हमारे घर आते हैं, टाइम ही नहीं लगता बंदा करे क्या, सही है। चलें जी व्लॉग का यहाँ पे करते हैं एंड, और इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह के वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।